हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ऐप स्टोर, ऐप मार्केट प्लेस क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ ऐप स्टोर। ऐप स्टोर हम हमेशा मोबाइल कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, बट ऐप स्टोर जो बनाया था, ऐप स्टोर ये जो कॉन्सेप्ट बनाया है, इट मेंट फॉर डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका डिजिटली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये ऐप स्टोर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। सो ये जो ऐप स्टोर्स है ये आपको विंडोज़ पे भी मिलेगा, एप्पल पे भी मिलेगा। सेम स्मार्टफोन भी कंप्यूटर है, तो स्मार्टफोन पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज वैसे ऐप स्टोर्स आपको मिलेंगे। जैसे एप्पल पे एप्पल का अलग से ऐप स्टोर है, गूगल का ऐप स्टोर। आपको प्ले कंसोल के थ्रू हम एप्लीकेशन पब्लिश करते हैं, एंड गूगल प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशंस मिलते हैं। सो अलग अलग डेवलपर्स डेवलप करते हैं एप्लीकेशंस। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एप्लीकेशंस डेवलप किए, उसी तरह डेवलपर्स एप्लीकेशन डेवलप करते हैं एंड गूगल प्ले कंसोल के थ्रू गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करते हैं। आफ्टर पब्लिशिंग, आफ्टर रिलीजिंग दैट एप्लीकेशन, यूजर्स कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर एंड दे कैन यूज़ इट। सो ये कॉन्सेप्ट बनाया गया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो हम को ये समझना पड़ेगा कि ये जो ऐप स्टोर्स हैं क्या उस पे एप्लीकेशन पब्लिश करना ज़रूरी है। तो ये टोटली आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने एप्लीकेशन पर्सनल यूज़ के लिए बनाया है देन देर इज़ नो नीड टू पब्लिश ऑन प्ले स्टोर्स। अगर आपने यूज़र के लिए बनाया एप्लीकेशन तो आपको पब्लिश करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू पब्लिश ऑन प्ले स्टोर, बिकॉज यूज़र को जब तक वो एप्लीकेशन ढूंढने से नहीं मिलेगा कोई डाउनलोड नहीं करने वाला। तो इसीलिए आपको अगर ये पब्लिश करना है देन यू नीड अ प्ले स्टोर। अगर आपको पब्लिश नहीं करना है देन यू डोंट नीड टू पब्लिश योर एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आपका एप्लीकेशन पब्लिश होना ज़रूरी है। जैसे मैं जब जॉब कर रहा था तब एक एप्लीकेशन बनाया था टू ट्रैक आर फील्ड एग्जीक्यूटिव्स, कि उनका इंक्वायरी का डेटा, उनका अटेंडेंस, ये सब फील्ड के थ्रू मुझे सर्वर पे डेटा अपलोड होना चाहिए। तो हमने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप किया, लॉग इन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर दोज एग्जीक्यूटिव्स हमने बनाए, एंड देन ओनली दे कैन यूज़ दैट एप्लीकेशन एंड दे नीड टू रिपोर्ट ऑन दैट एप्लीकेशन। सो ये जो हमने काम किया था, दिस एक्टिविटी एंड दिस एप्लीकेशन यूज़ वॉज डेवलप्ड ओनली फॉर आर इंटरनल टीम। तो उधर हमें ये प्ले स्टोर पर पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी तरह कुछ ऑटोमेशन करने के लिए मैंने एप्लीकेशंस बनाए हैं। तो उन एप्लीकेशंस को मैं पर्सनल यूज़ के लिए से यूज़ करता हूँ, बिकॉज मे बी वो प्ले स्टोर के गाइडलाइंस में नहीं बैठेगा, इसीलिए वो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो ऐसे एप्लीकेशन मैं गूगल प्ले स्टोर पर नहीं डालना चाहूँगा। अगर आपको यूज़र के लिए एप्लीकेशन बनाना है या फिर आपको एप्लीकेशन के थ्रू मोनेटाइज करके पैसे कमाने हैं, या फिर आपका गेम है और गेम में इन ऐप परचेसेस के थ्रू आपको पैसे कमाने हैं, देन यू नीड टू पब्लिश योर एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर्स। तो ये जो एप्लीकेशन स्टोर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज अलग अलग है। अगर आपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बनाया है देन यू नीड टू पब्लिश योर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। एंड्रॉयड एक ऐप स्टोर है, वहाँ पर आप किसी भी टेक्नोलॉजी वाला एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हो। वहाँ पर आपको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ ओपन सोर्स, और आपको बस गिटलैब पर एक रिपोजिटरी बनाना है और वहाँ पर आप एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हो। सेकेंड एप्लीकेशन स्टोर है, ये मैं ओपन सोर्स एप्लीकेशन स्टोर आपको बता रहा हूँ। वैसे एक एप्टॉइड बोल के एप्लीकेशन स्टोर है, ऐप स्टोर है, लेकिन उसके लिए पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर आपका ऐप पब्लिश करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पर साइन अप कीजिए, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर का जो यूआरएल है वो डालना पड़ेगा, एंड देन आप इसको पब्लिश कर सकते हो। गेटजार नाम का एक एप्लीकेशन स्टोर मिलेगा आपको, उस पर आपको हैक्ड या क्रैक्ड या फिर मॉडर्न जो होते हैं, मॉडिफाइड एप्लीकेशंस होते हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे ये वीडियो स्क्राइब फ्री एप्लीकेशन नहीं है, ये पेड प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पर फ्री में मिल रहा है। सो इट मे बी क्रैक्ड, और ये उसमें कुछ पैचेस लगा के यहाँ पर इसको पब्लिश किया गया है। इसका आपको प्ले स्टोर पर भी मिलेगा, लेकिन गेटजार पे भी आपको ये एप्लीकेशन पब्लिश मिलेगा।
इसी के साथ एसी मार्केट एक ऐप स्टोर है, वहाँ पर भी आपको मॉडिफाइड ट्वीक हैक एप्लीकेशंस मिलेंगे, इस पर भी आप पब्लिश कर सकते हो। फॉर एप्पल पर्टिकुलरली एक सीडिया ऐप स्टोर है जो लोग अनलॉक करते हैं फ़ोन को, एंड्रॉयड में भी रूट करना या अनलॉक करना एक होता है, तो वैसे ही एप्पल में उसे जेल ब्रेक कहते हैं। तो अगर आपने आपका जो स्मार्टफोन है उसे अनलॉक किया है, देन यू कैन यूज़ सीडिया ऐप स्टोर टू डाउनलोड एप्लीकेशंस, तो उसे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको ओपन सोर्स प्ले स्टोर की ज़रूरत पड़ी, देन यू कैन यूज़ एंड्रॉयड या गेटजार इसे यूज़ करके आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट एप्लीकेशन स्टोर्स आपको क्यों नेसेसरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा एंड इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजीली आपके डिवाइस में हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन पब्लिश करना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन या फिर आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। अगर वो एप्पल का डिवाइस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको iOS का एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा और उनके मार्केट प्लेस पर या ऐप स्टोर पर आपको उसे पब्लिश करना पड़ेगा। अगर आपका यूज़र बेस जो है वो एंड्रॉयड पर है, देन आपको APK फाइल, जो हमने लास्ट दो वीडियोस में APK फाइल्स बनाई थी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया था, अगर आपने नहीं देखा देन आप इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देखिए और आप एक .apk फाइल एक्सपोर्ट कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम प्ले स्टोर पर वो एप्लीकेशन पब्लिश करने वाले हैं। सो अगर आपका एंड्रॉयड बेस्ड यूज़र ज़्यादा है, देन यू नीड टू डेवलप .apk फाइल। सो ये था हमारा ऐप स्टोर इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी प्ले स्टोर, प्ले कंसोल और आपका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर पर कैसे रिलीज करें। उसी के साथ हमें ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन ASO जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी डाउट है, देन यू कैन राइट इट इन कमेंट्स। थैंक यू।